नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत करता हूं आस्क मी एनीथिंग इस नए वीडियो में। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्स भारत आ चुके हैं और दोस्तों ओलाफ सोल्स ने आते ही बताया है कि वो काफ़ी वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इंडिया जर्मनी मीटिंग के दौरान पीएम मोदी से। दोस्तों ओलाफ सोल्स ने कहा है कि ये यहाँ आकर विश्व शांति की बात करेंगे और तो और इन्होंने बताया कि ये लोग एनर्जी सेक्टर और डिफेंस सेक्टर के बारे में भी बात करना चाहते हैं इंडिया से, ताकि दोनों कंट्री साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। दोस्तों जर्मनी शायद ही कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो इंडिया के साथ ना डिस्कस करना चाहे, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही है वर्ल्ड में इंडिया की इंपॉर्टेंस इस समय क्या चल रही है। दोस्तों अगर आपको कन्फ्यूजन है कि ओलाफ सोल्स प्रेसिडेंट हैं या पीएम, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रेसिडेंट और पीएम दोनों होता है, लेकिन यूएसए में आपको पता ही होगा प्रेसिडेंट होती है, वैसे ही जर्मनी में प्रेसिडेंट भी होता है और चांसलर भी होता है, लेकिन मेन पावर दोस्तों प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं होती। जैसे इंडिया में मेन पावर मोदी सरकार यानी कि पीएम मोदी के हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में मेन पावर नहीं है, वैसे ही जर्मनी में भी चांसलर के हाथों में सारी पावर होती है, ना कि प्रेसिडेंट के हाथों में। और दोस्तों चांसलर ही जर्मनी को संभालते हैं, उनकी सबसे बड़ी पोस्ट मेन पोस्ट यही मानी जा सकती है और वो जर्मनी का मुखिया एक तरह से मान सकते हैं, इतनी बड़ी पोस्ट है जर्मनी। जैसे इंडिया में पीएम की पोस्ट है, वैसे जर्मनी में चांसलर की पोस्ट मानी जा सकती है। तो दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरह से जर्मनी के पीएम ही भारत में आए हैं दौरे के लिए और भारत से रिश्ते सुधारने के लिए, और भारत क्योंकि वर्ल्ड में अभी इतना इंपॉर्टेंस रखता है इसलिए सारे दुनिया की नज़र भारत पे है। और दोस्तों इनका एक और वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक और मकसद है इंडिया और रशिया के बीच दूरी बढ़ाना, इंडिया रशिया के फ्रेंडशिप ये लोग कैसे भी करके तोड़ना चाहते हैं, इंडिया को रशिया से अलग करने की साजिश चल रही है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि रशिया अलग थलग पड़ जाए। दोस्तों जर्मनी इंडिया को एज एन अलाई देख रहा है, लेकिन दोस्तों हमारे फॉरेन मिनिस्टर साफ साफ बता चुके हैं कि इंडिया किसी भी कंट्री का अलाई नहीं है, क्योंकि इंडिया अलाई के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाता है और दोस्तों इंडिया अलाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया को एज एन अलाई प्रमोट करते हैं ताकि इंडिया को रशिया से अलग किया जा सके, लेकिन दोस्तों रशिया को इंडिया से अलग करना ये लगभग नामुमकिन सा ही है, क्योंकि दोस्तों इंडिया रशिया की दोस्ती बहुत पुरानी है और हमारी दोस्ती काफ़ी गहरी भी है। दोस्तों इंडिया रशिया की दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए, आपको तो ये बात पता ही होगी, क्योंकि दोस्तों ये वेस्टर्न कंट्री सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचती है। दोस्तों आपको बता दूं कि इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है P-75I सबमरीन का, उसे रशिया लेना चाहता है, लेकिन दोस्तों जर्मनी का ये प्लान है कि रशिया को इस डील से बाहर निकाल दिया जाए और ये बिलियंस ऑफ डॉलर जर्मनी के खाते में चले जाए, यानी कि इंडिया ये डील जर्मनी के साथ कर ले ना कि रशिया के साथ, इसीलिए ये मेन कारण है इनकी विजिट का भी। रशिया को अलग करना चाहते हैं ये P-75I प्रोजेक्ट से, ताकि बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा हो जाए जर्मनी को और रशिया को नुकसान हो जाए बिलियंस ऑफ डॉलर का। दोस्तों आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत 5.4 बिलियन डॉलर खर्चेगा, और दोस्तों इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि कोई बाहर से कंट्रीज आए और इंडिया में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाए इंडिया के लिए, यानी कि वो सबमरीन इंडिया में ही बननी चाहिए। और दोस्तों ये सारी सबमरीन्स नॉन न्यूक्लियर होनी चाहिए, और दोस्तों इंडिया ने ये शर्त भी रखी है कि जब भी ये सबमरीन बनेगी तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, ताकि फ्यूचर में इंडिया इन सबमरीन को बिना किसी फॉरेन हेल्प के भी बना सके इंडिया में ही। अभी तो हम हेल्प ले रहे हैं फर्स्ट टाइम, लेकिन इसके बाद हमें हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी चाहते हैं। दोस्तों इसीलिए यही ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का बात सुन के फ्रांस, जो कि इंडिया का मित्र मुल्क है, वो अपने हाथ पीछे खड़े कर चुका है, वो उसने बोला कि वो इस डील में इंडिया को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेगा, इसलिए वो इस डील से बाहर हो गया। लेकिन अब जर्मनी आया है, देखते हैं जर्मनी को ये डील मिल पाती है कि नहीं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के पीछे रशिया और जर्मनी हाथ धोकर पड़े हुए हैं भारत से कि हमें ये प्रोजेक्ट दे दो, लेकिन दोस्तों दोनों देश में से देखते हैं इसे ये प्रोजेक्ट मिलता है, क्योंकि दोनों देश भारत के ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी से खासे खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक बार ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई तो भारत फिर इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा, और ये कोई कंट्री नहीं चाहता, क्योंकि सबको अपना अपना माल बेचना है इस कंट्री को। दोस्तों लेकिन हमारे जो शर्त है उसे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी लेकर रहेंगे, और फ्यूचर में इंडियन सबमरीन इंडिया में ही बनेगी और इंडियन द्वारा बनेगी बिना किसी फॉरेन हेल्प के।
दोस्तों आपको तो पता ही होगा रशिया इंडिया के डिफेंस एक्सपो इम्पोर्ट में कितना बड़ा रोल अदा करता है। हम लोग कितने सारे हथियार रशिया से लेते हैं, S-400 तक हमने रशिया से लिया, लेकिन दोस्तों हम लोग जर्मनी से कुछ नहीं लेते, लगभग ना के बराबर सामान लेते हैं। इसलिए जर्मनी चाहता है कि अब वो भी इंडिया की इस बड़ी ह्यूज डिफेंस मार्केट का एक हिस्सा बने और इंडिया को रशिया के ऊपर से डिपेंडेंसी हटाकर जर्मनी के ऊपर फोकस करना चाहिए। और जर्मनी यही चाहता है कि वो भी इस बड़े से डिफेंस मार्केट का एक्सेस पा सके, और इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। उसे चाहना है कि ये किसी भी तरह से ये प्रोजेक्ट जर्मनी के हाथ लग जाए। और दोस्तों जर्मनी इसी बात को सोचकर ये सोच रहा है कि वो $5.4 बिलियन की ये डिफेंस डील लेकर जर्मनी की डिफेंस इंडस्ट्री को एक खासा बूस्ट देगा। दोस्तों आपको तो पता ही होगा जर्मनी का डिफेंस सेक्टर तब तक सो रहा था जब तक रशिया ने यूक्रेन पर हमला नहीं कर दिया, लेकिन यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से जर्मनी ने अपने डिफेंस पे काम करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने अपना डिफेंस बजट डबल कर दिया और दोस्तों इन लोगों ने अपने डिफेंस कंपनियों से अब बूस्ट करने के लिए बड़े बड़े टेंडर ला कर देने का भी वादा किया हुआ है। इसी तहत इंडिया में ये आकर इस डील को एक्वायर करना चाहते हैं। दोस्तों अब जर्मनी काफ़ी मजबूती से डिफेंस में आगे बढ़ेगा और इनकी मिलिट्री फोर्स भी स्ट्रांग होगी, और जल्द ही आप देख सकेंगे कि इनकी मिलिट्री की रैंकिंग भी ऊपर आ जाएगी। अभी तो आपको पता होगा टॉप 4 पे कंट्रीज कौन कौन सी, नंबर 1 पे तो USA है, नंबर 2 पे अभी भी रशिया बना हुआ है, और नंबर 3 पे चाइना है, और नंबर 4 पे हमारा इंडिया है। दोस्तों फ्रांस को भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि अब अगर जर्मनी जा गया है तो फ्रांस को भी टक्कर मिलेगी और कॉम्पिटिशन आ गया है। लेकिन दोस्तों इंडिया के लिए कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमें काफ़ी अच्छी डील्स मिल सकती हैं इस कॉम्पिटिशन के आने के बाद से। दोस्तों जर्मनी ने अभी जो भी ऑफ़र दिया होगा भारत को, ये उसके बारे में कुछ डिटेल तो पता नहीं है, लेकिन रशिया का ऑफ़र आप पता है दोस्तों, रशिया ने कहा है कि वो 80% जो भी यहाँ बनने वाली है वो 80% माल यहीं पे बनेगा। इसलिए रशिया को ये ऑफ़र मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। लेकिन दोस्तों रशिया अभी यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, इस कारण से ये डील रशिया के हाथ से भी निकल सकती है। तो ये मामला काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, पता नहीं चल रहा है किसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, लेकिन जिसे भी मिले इंडिया को इससे काफ़ी भला होने वाला है। इंडिया की नेवी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी साउथ चाइना सी में, और हम लोग चाइना को टक्कर दे पाएंगे अच्छी तरीके से। और तो और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रोज़गार भी पैदा होगा। दोस्तों आपको एक बात तो जाननी ज़रूरी है, क्या कि जर्मनी इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोप में? और दोस्तों जर्मनी भारत में काफ़ी बड़ी मात्रा में निवेश करता है ताकि भारत में की GDP बढ़ती जाए। दोस्तों जर्मनी ने यह भी बताया है कि जर्मनी एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड डील होने वाली है, फ्री ट्रेड डील। आपको तो पता ही होगा इंडिया और यूरोपियन यूनियन चाहते हैं कि वो लोग फ्री ट्रेड डील कर लें। दोस्तों ये तो वक्त ही बताएगा रशिया जीतता है या जर्मनी। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।